सोमवार को मानसून सत्र के पहले ही दिन ओबीसी आरक्षण पर सभा में राड़ा हुआ है। दोनों पक्ष के विधायक आपस में भिड़ पड़े और विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 12 विधायक को निलंबित किया। अध्यक्ष के इस निर्णय के बाद भाजपा आक्रामक हुई है। मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र के विधानसभा अधिवेशन का पहला दिन भाजपा के लिए भारी रहा है। सभा में ओबीसी आरक्षण प्रस्ताव पर सत्ता और विपक्ष आपस में भिड़ गए और इसका परिणाम भाजपा के 12 विधायक निलंबित हो गए। विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय के बाद से ही भाजपा आक्रामक दिखाई दी। सोमवार को सभा में सत्ता पक्ष का विरोध किया गया तो मंगलवार को महाराष्ट्र भर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से रास्ते पर उतर कर विरोध किया गया। मंगलवार को शहर के बड़कस चौक पर भाजपा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार का निषेध किया गया। युवा मोर्चा की ओर से आघाड़ी सरकार के पुतले का दहन भी किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने विधान मंडळाचा वापर करून जुलूमशाही के लिए हुकुमशाही के लिए 12 आमदारांना निलंबित केलं। महाराष्ट्र सरकार ने विधान मंडळाचा वापर हा राजकीय कामाकरता केला, राजकीय कामाकरता, आणि म्हणून कार्यकर्त्याच्या भावना तीव्र आहे। महाराष्ट्राच्या 1500 ठिकाणी कार्यकर्ते आंदोलन करताय आणि जोपर्यंत 12 आमदारांना परत घेत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू राहील। या महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या विरुद्ध जाऊन ठराव घेतलेला आहे। विधानमंडळाचा वापर हा खऱ्या अर्थाने सरकारने राजकारणाकरता केला आहे। 12 आमदार निलंबित तर केलेत, पण ओबीसी समाजाचा जो ठराव काल घेतला तो राजकारणाचा वापर केला गेला आहे आणि म्हणून आम्ही महाराष्ट्रभर आंदोलन करतोय। कार्यकर्त्याच्या भावना तीव्र आहे म्हणून कार्यकर्ते पुतळे जाळत आहेत, प्रचंड महाराष्ट्रात पुतळे जाळत आहेत, कारण कार्यकर्ते थांबत नाही आहे। 12 आमदारांना निलंबित वापस घेत नाही, 12 आमदारांचं निलंबन परत काही करत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रभर आंदोलन चालू राहणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये निलंबन वापस घेतलं नाही, तीव्र आंदोलन अजून करणार आहोत, तीव्र आंदोलन आम्ही। खोटी स्टोरी आहे, भास्कर जाधव साहेबांनी खोटी स्टोरी तयार केली, त्यांनी विधानमंडळाचा वापर हा राजकीय कामाकरता केला। ओबीसीचा ठराव हा राजकीय आहे, तो सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे नाही आहे आणि म्हणून माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी काल त्या ठिकाणी जो मांडलं त्यावेळेस या सरकारी षडयंत्र करून 12 आमदार निलंबित केले। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।